नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। विस्तार के बाद मोदी मंत्रिमंडल में के बारे में हम बताएंगे आप लोगों के बीच। और कल बड़े बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, उनमें डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल निशंक, थावरचंद गहलोत, सदानंद गौड़ा, संतोष कुमार गंगवाल आदि शामिल है, बावल आदि शामिल है। चलिए अब देखेंगे कौन कौन मंत्री अभी हैं वर्तमान में, उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन विभाग है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कार्मिक, जन शिकायत, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के साथ ही सभी नीतिगत मामले तथा अन्य ऐसे सभी मंत्रालय जो किसी को आवंटित न किए गए हो, ये सब मोदी जी के पास है। और कैबिनेट मंत्री को देखेंगे, राजनाथ सिंह हैं, रक्षा मंत्रालय उनके पास है, कोई उनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। अमित शाह जो है गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मिला है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन व हाईवे मंत्रालय उनके पास है। निर्मला सीतारमण वित्त और कॉरपोरेट अफेयर्स इनके पास है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि व किसान कल्याण। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा आदिवासी मामले। स्मृति ईरानी महिला व बाल विकास। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा मंत्रालय इनके पास है। धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय चेंज हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा, कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्रालय इनके पास है। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य और कोयला खनन मंत्रालय इनके पास है। नारायण राणे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इनके पास है। सर्बानंद सोनोवाल पोत परिवहन और जल मार्ग आयुष मंत्रालय इनके पास है। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामले इनके पास है। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वीरेंद्र कुमार के पास है। गिरिराज सिंह का मंत्रालय चेंज हुआ है। ग्रामीण विकास पंचायती राज गिरिराज सिंह के पास है, ये बिहार से आते हैं गिरिराज सिंह। नए मंत्री शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे, इनको मंत्रालय मिला है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनके पास है। राम प्रसाद सिंह आरसीपी सिंह इस्पात मंत्री बने हैं बिहार से, जो जेडीयू कोटा से हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय इनको मिला है। संचार इलेक्ट्रॉनिक एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनके पास है रेल मंत्रालय के साथ साथ। पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इनके पास है। ये रामविलास पासवान के भाई हैं। चलिए अगला देखते हैं, गजेंद्र शेखावत जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है। किरण रिजिजू कानून एवं न्याय मंत्री इनको बनाया गया है, जो कि रविशंकर प्रसाद पहले थे। राजकुमार सिंह ऊर्जा नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय इनको मिला है। हरदीप सिंह पुरी शहरी विकास आवास पेट्रोलियम मंत्रालय इनको मिला है, हरदीप सिंह पुरी को। चलिए और कैबिनेट मंत्री देखते हैं। मनसुख मांडविया इनको स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय मिला है। भूपेंद्र यादव बिहार के प्रभारी थे, राजस्थान से आते हैं, इनको शामिल किया गया है मंत्रालय में। पर्यावरण वन श्रम और रोजगार मंत्रालय मिला है। महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मिला है इनको। पुरुषोत्तम रूपाला इनको मिला है मत्स्य और पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। जी किशन रेड्डी संस्कृत पर्यटन पूर्वोत्तर विकास इनके पास है। अनुराग ठाकुर सूचना एवं प्रसारण युवा मामले खेल मंत्रालय इनके पास है। थोड़ा सा स्वतंत्र प्रभार में देखेंगे, जबकि ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम केवल कैबिनेट मंत्री बता रहे हैं और थोड़ा सा स्वतंत्र प्रभार में देख रहे हैं।
राव इंद्रजीत, इनको सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन प्लानिंग कॉरपोरेट अफेयर इनके पास है, और जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं तकनीक, पृथ्वी विज्ञान, पीएमओ, कार्मिक एवं पेंशन, एटॉमिक एनर्जी अंतरिक्ष इनके पास है। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। केवल कैबिनेट मंत्री याद रखेंगे, कैबिनेट मंत्री से प्रश्न ज़्यादा आता है, इसलिए आगे हम राज्य मंत्री के बारे में नहीं बता रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।